नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन से CMYK मॉडल जो कैनन की तरफ से आता है और जो कलर जेरोक्स में और कलर प्रिंट में एक बड़ा सा सेटअप हमें दे देता है, जो बड़ा वर्क करते हैं उसके लिए ये मशीन बेहतरीन है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, सर ब्रांड न्यू कैनन के मशीन के CMYK मशीन के बारे में बताओ। उसमें से खास करके हमसे कमेंट भी किया था और हमें इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट की थी जब थंडर गेमिंग के, और इसने बताया था कि सर हमें C3120 के बारे में, कैनन के ये मॉडल के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। इसकी प्राइस क्या आ जाती है, इसकी एसेसरीज की प्राइस क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इसकी कार्टिज की प्राइस क्या है, यह मशीन की प्राइस क्या है, यह इसकी कॉपी कॉस्ट हमें क्या आ जाती है, ओरिजिनल हम यूज़ करें तो कौन सी मशीन किस तरह से ज़्यादा चलती है, इसके बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, आप भी कोई वीडियो में सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। और दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन का मैं आंसर लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे आगे रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को कैनन ब्रांड न्यू C3120 के बारे में। दोस्तों, कैनन IRC3120 के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ऑल इन वन का बेहतरीन सा सेटअप आपको मिल जाता है। आप इसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी और आपको फैक्स का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको फ्लैट बेस स्कैनर भी मिल जाता है और ऊपर एक बेहतरीन सा ADF वाला भी सेटअप मिल जाता है। ये ADF क्या है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको ADF का वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ये ADF स्कैनिंग का आपको ढेर सारा वर्क चुटकियों में कर देता है। दोस्तों, अब इसके आगे की बात करें तो इसमें प्रिंट पेपर साइज आ जाती है। इसमें प्रिंट पेपर साइज आप 12x18 से लेके A3 लीगल, A4 F5 तक कोई भी साइज चला सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आप बैक टू बैक भी चला सकते हैं। इसमें आपको डुप्लेक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों, इसके आगे की बात करें तो आप इसमें पेपर मीडिया कौन कौन सा चला सकते हैं। तो दोस्तों, हम ब्लैक एंड व्हाइट मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ प्लेन पेपर आ जाता है। बहुत बार आपने कलर पेपर भी यूज़ किया होता है। दोस्तों, ये C3120 में आप फोटो पेपर, स्टिकर शीट, आप मैट, ग्लोसी फोटो शीट, एडेसिव जो स्टिकर शीट आ जाती है, जो इनवलप तक आप इसमें चला सकते हैं, और आप मैक्सिमम इसमें 300 GSM तक चला सकते हैं। और ये भी डुप्लेक्स वाला भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। एक ही बार में दोनों साइड ये मशीन प्रिंट करके आपको दे देता है। दोस्तों, ये CMYK मॉडल है तो आपको इसमें चार तरह की इंक कार्टिज आ जाती है, जो इंक पाउडर बेस में आती है। दोस्तों, ये C4 सियान, M4 मेजेंटा, Y4 येलो, BK4 ब्लैक इंक में आ जाती है। ये चार तरह से सभी जो इसमें कलर है वो मिक्सिंग होके बन जाते हैं। और दोस्तों, ये मशीन में आपको मल्टीपल कॉपी 1 से लेके 999 तक मिल जाती है। और दोस्तों, ये मशीन आपने पहला वीडियो देखा होगा जो 3020 का आया है, आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और दोस्तों, उससे एक गुना ये अपडेट मॉडल आ जाता है। इसमें आपको USB का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप USB से प्रिंट भी निकाल सकते हो, USB से स्कैनिंग भी कर सकते हो। ये बेहतरीन सा इसमें फीचर्स आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये LAN से भी कनेक्ट हो सकता है और ये USB से भी कनेक्ट हो सकता है। दोस्तों, ये बेहतरीन सा मशीन कॉरपोरेट में यूज़ होता है, जो कई सारी मशीन होती है, कई सारे कंप्यूटर होते हैं, तो कोई भी मशीन में प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर से आप मशीन में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये LAN का भी ऑप्शन आपको बेहतरीन सा मिल जाता है। अब दोस्तों, इसी मल्टीपल कॉपी की बात करें तो ये 1 से लेके 999 तक आप इसमें कॉपी निकाल सकते हो।
आपको इसमें जूमिंग का एक बेहतरीन सा ऑप्शन मिल जाता है, 25% टू 400% आपको जूमिंग मिल जाती है। आपको इसमें कई सारे फिनिशिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको एक सेट का 5-10-20 सेट करना हो तो मशीन अपने आप कर देती है, आपको सिर्फ पिनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक आपको इसमें LCD टच पैनल 5 इंच की मिल जाती है, ये बेहतरीन सा ऑप्शन है। इसमें कई सारे ऑप्शन आप सेट करके इसमें जेरोक्स मशीन या प्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन आप कर सकते हैं, ये बेहतरीन सा एक वर्क दे देता है। दोस्तों ये कोई भी कलर मशीन होता है उसमें एक IBT आ जाती है, ये IBT भी बेहतरीन होती है। ये IBT से ही ये मशीन चल जाता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मशीन में ड्रम आ जाता है तो इसमें IBT आ जाती है। तो दोस्तों अब इसकी बेहतरीन बात करें तो इसमें आपको 2 ट्रैक का ऑप्शन मिल जाता है और 4 ट्रैक का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो इसको बाद में भी 2 ट्रैक प्लस कर सकते हो और 2 ट्रैक में भी आप चला सकते हो, आप चाहो तो 4 ट्रैक भी ले सकते हो। अब दोस्तों ये मशीन की प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, क्योंकि ये मशीन की प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, और इसकी कॉपी कॉस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि इसकी कॉपी कॉस्ट ओरिजिनल इंक में क्या आ जाती है। और दोस्तों आप इसमें कंफर्टेबल यूज़ करना चाहो, कंफर्टेबल कार्टिज यूज़ करना चाहो तो कौन सी कार्टिज बेस्ट रहेगी, उसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, और इसकी कम से कम कॉपी कॉस्ट जानना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। अब दोस्तों कोई भी मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो वार्म अप टाइम लग जाता है, तो ये मशीन का वार्म अप टाइम क्या है, ये जो इसका पहले का मॉडल आ जाता था उससे वार्म अप टाइम कम है। इसका पावर ऑन करके जो वार्म अप टाइम हम देखें तो 20 सेकंड आ जाती है, और मशीन थोड़ी देर यूज़ ना करे तो स्लिप मोड में चला जाता है। तो स्लिप मोड में चला जाने के बाद हम ओपन करते हैं तो ये मशीन 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा वर्क स्पीड में आ जाता है, जो हमारा वर्क स्पीड में हो जाता है, और ये बेहतरीन सा ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात, जो कोई भी मशीन लेते हैं तो उसकी प्रिंट क्वालिटी के बारे में देखते हैं, तो आपने पहले भी वीडियो में क्वालिटी के बारे में देख लिया होता है कि इसकी बेहतरीन सी कॉपी आ जाती है, जो शार्पनेस देने वाली कॉपी आ जाती है। और दोस्तों आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी मशीन यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो मशीन में डेवलपर आ जाता है उसकी कॉपी क्वालिटी बेहतरीन आती है, वो उसकी एकदम लाइट सी कॉपी आ जाती है, जो डार्क मतलब लाइट सी जो चमक देने वाली कॉपी आ जाती है। दोस्तों आज कैनन के ब्रांड न्यू मॉडल C3120 का वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों प्रिंटिंग से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट देता रहता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपको सदा ही प्रिंटिंग से रिलेटेड आगे रखते हैं। और दोस्तों आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।